सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल के डिज्नी प्लस शो के बारे में। सो अभी डेडलाइन मैगजीन ने ये कंफर्म कर दिया है कि मार्वल स्टूडियोज ऑफिशियली नोवा के डिज्नी प्लस सीरीज के ऊपर काम कर रही है। नोवा के डिज्नी प्लस सीरीज को मून नाइट के राइटर्स लिखने वाले हैं। नोवा की सीरीज मोस्ट प्रोबेबली 2023 में रिलीज हो सकती है। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे रूमर्स थे कि दी मार्वल्स के अंदर नोवा का इंट्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा मार्वल के सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के अंदर भी नोवा का इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि बेसिकली कॉमिक्स के अंदर नोवा का करेक्टर स्क्रल्स की आर्मी से फाइट करने में इन्वॉल्व रहता है। तो नोवा एक काफी फैन फेवरेट करेक्टर है जो कि ऑफिशियली मार्वल के अंदर काफी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है। नोवा को बेसिकली कॉमिक्स के अंदर मल्टीपल करेक्टर्स प्ले करते हैं। कॉमिक्स के अंदर बेसिकली नोवा के दो वेरिएशंस का ज्यादा फेमस है, एक है रिचर्ड राइडर का वेरिएशन और एक है सैम अलेक्जेंडर का वेरिएशन। और डिज्नी प्लस के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली रिचर्ड राइडर के ऊपर डिज्नी प्लस सीरीज बनने वाली है। तो मार्वल के फ्यूचर में नोवा एक काफी बड़ा करेक्टर होने वाला है, क्योंकि बेसिकली मार्वल फ्यूचर में एक सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन को अडेप्ट करने वाली है। और सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन में नोवा एक काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है मार्वल के फ्यूचर में। फैंस चाहते थे कि नोवा का इंट्रोडक्शन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ही हो, पर अब फाइनली नोवा का इंट्रोडक्शन मोस्ट प्रोबेबली दी मार्वल्स या सीक्रेट इन्वेजन के अंदर हो सकता है, जिसके बाद नोवा को उसका अपना डिज्नी प्लस शो भी मिलने वाला है। तो अगर आपने एनिमेटेड अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज देखी होगी तब आपको नोवा के बारे में काफी कुछ पता होगा। अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज के अंदर हमें सैम अलेक्जेंडर का नोवा दिखाया जाता है, जिस करेक्टर को फैंस एक्चुअली काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं नोवा के पावर्स के बारे में बात करूं तो नोवा के पास बेसिकली फ्लाइट के पावर्स हैं, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और काफी सारे कॉस्मिक एनर्जी बेस्ड पावर्स भी हैं। नोवा बेसिकली, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है, मेंबर है नोवा कॉर्प का, और नोवा कॉर्प को बेसिकली आप इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स के जैसे समझ सकते हो। तो आप मुझे कमेंट से बताना ना भूले कि आप नोवा को एमसीयू में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।